हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ पमपम बनाना। तो पमपम बनाना बहुत ही इजी है। ये सिंपल से ऊन मैंने लिए हैं पमपम बनाने के लिए। आप चाहे तो बची हुई ऊन का यूज़ कर सकते हैं पमपम बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ दो चीज़ यहाँ पर ली है, एक कांटा और ये सीजर। तो प्लीज़ आप, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गेट स्टार्टेड। तो क्या करना है, थंब से इस ऊन को इधर से दबा लेना है हमें और इस तरह से लपेटना है। देखो इतना मैंने इतना ही लिया है। आपको और मोटा रखना है तो आप और मोटा कर लो। ये मेरा 25 टाइम्स है। आप देखो क्या है, ये इस फॉक में इधर मैंने इधर स्पेस है, देखो दिख रहा है ये, और इधर ये दो, इसके दो के बीच में सेंटर है। क्या करना है, इस थ्रेड को लेके, उनको लेके इस स्पेस में डाल देना है। यहाँ से निकाल लेना है, पीछे से निकल गया, और ये दोनों के बीच में डाल देना है और घुमा दो। और घुमा के सिंपल सी इसको पकड़ देना, इसको छोड़ना नहीं है, नॉट लगा दो नॉट, और इसको धीरे से खींच लो। बस यहाँ पे इसका काम खत्म, इसको अलग रख दो और टाइट, जितना टाइट हो सके टाइट कर दो, और इसको एक सेकेंड नॉट लगा लो। अब इस थ्रेड को भी, ऊन को काट दो। अब क्या करना है, ये हमारा ये राउंड शेप का बन गया है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं, एक संग कैंची में नहीं भर रहा है, हम छोटी कैंची का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इधर से इसको काट दिए, इधर से इसको काट दिए, ये पूरा गोल, ये जो कट रहा है पूरे गोल शेप में कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब देखो, अब ये हमारे कट गया। कटने के बाद थोड़ा सा ऊंचा नीचा दिख रहा है, तो इसको भी बैलेंस बराबर कर लेना है इस तरह से। अब ये हो गया। अब ये देखो, अब क्या करना है, इसको हथेली में रख के इस तरह से रख के राउंड कर देना है। ये तैयार हमारा पमपम। तो आप भी बनाओ इस तरह से ढेर सारे पमपम। तो मैंने इतने ढेर सारे पमपम बना लिए हैं, मैं अभी और भी पमपम बनाऊंगी इसी तरह से। तो अभी मेरा इसके बाद एक वीडियो और आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इन सब पमपम से जो यूनिक चीज़ बनाऊँ वो आप तक इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वंस अगेन थैंक यू।